मुसलमान बहुत ही नासमझ होते हैं, उनके दिल में बच्चों के लिए रहम नहीं होता। वो अपने छोटे छोटे बच्चों के लिंग काट कर खतना कर देते हैं। कितना दर्द होता होगा उनको इस छोटी सी उम्र में, कितना दर्द सहना पड़ता होगा उन मासूमों को। इसी तरह की बातें शायद आपने भी सुनी होगी, क्योंकि उन लोगों को खतना के बारे में कुछ भी इल्म नहीं है। जब तक कहने वालों पर ऐसी मुसीबत ना आ जाए। आज की वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि आज हम लेकर आए हैं खतना के बारे में, जो हर मुसलमान इस दर्द से गुजरता है, और साथ ही जानेंगे साइंस इस बारे में अपना सुझाव क्या देता है। आज से कई सालों पहले एक पैगंबर थे जिनका नाम था हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। जब आपकी उम्र मुबारक लगभग 80 साल थी, तब उनके लिए अल्लाह की तरफ से एक मैसेज आया, आप अपना खतना करें। तो आप हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने 80 साल की उम्र में अपना खतना खुद अपने हाथ से करवाया। इस्लाम में खतने की शुरुआत यहीं से मानी जाती है। दुनिया में सबसे ज़्यादा खतना मुसलमान ही कराते हैं, यहूदी धर्म में भी खतना करवाने की इजाज़त है। पूरी दुनिया के लोग खुद की हेल्थ बेनिफिट के लिए खतना करवाते हैं। दोस्तों, साल 2015 में एक सर्वे किया गया, जिसमें ये पता चला कि 50% लोग हेल्थ बेनिफिट के लिए खतना करवाते हैं। अमेरिका में 70% लोग खतना करवाते हैं, जबकि मुस्लिम आबादी 2-3% है। फिर इतने लोग आखिर हैं कौन? एक जरूरी बात, इस्लाम में खतना करवाना फर्ज नहीं है बल्कि सुन्नत है। ऐसा नहीं है कि अगर कोई शख्स किसी वजह से खतना नहीं करवाता है तो वह इस्लाम से खारिज हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। खतना क्या है? खतना जब किया जाता है, इसमें बच्चे के लिंग का आगे वाला भाग जिसमें चमड़ी होती है, उस चमड़ी को काट कर हटा दिया जाता है। दोस्तों, खतना करवाने में बहुत फ़ायदे हैं। WHO का कहना है, जो इंसान यानी मर्द खतना करवाता है वह बहुत सी इन्फेक्टेड बीमारियों से बच जाता है। मर्द के अंदर एड्स का खतरा 50% से कम हो जाता है। बहुत से लोगों का कहना होता है कि खतना इतना ही ज़रूरी होता है तो अल्लाह ने तुम्हें बगैर खतना के दुनिया में क्यों भेजा? इसका जवाब है, अल्लाह ने हमें बहुत सारी गैर जरूरत चीज़ें दी हैं जो हमें बाद में हटानी होती है, जैसे बाल, नाखून। अल्लाह ने हमें बगैर कपड़ों के दुनिया में भेजा। हम कपड़े पहनते हैं ताकि दुनिया की शर्म हया से बच सकें। आप एक बार YouTube पर सर्च करके देख लो, बहुत से नॉन मुस्लिम डॉक्टर आपको खतना के बेनिफिट बताते नजर आएंगे। अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक हमें और तमाम मुसलमानों को दीन इस्लाम पर चलने की तौफीक अता फरमाएं, और अपने प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक अता करें। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि इस वहम से लोग बच सकें और दूर हो सकें कि खत्म